हेलो दोस्तों, मैं हूँ सागर और फिर से आप सबों का एक बार स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। और दोस्तों, कि आज का जो खबर है ना, बहुत ही तरोताजा खबर है, लेकिन भाई किसी के लिए बुरी खबर है तो किसी के लिए अच्छी खबर है। अब किसके लिए बुरी खबर है, किसके लिए अच्छी खबर है, जानने के लिए पूरा वीडियो को देख। तो सबसे पहले अच्छी खबर उन पेरेंट्स के लिए जो आज की शाम तो पार्टी मना रहे हैं, बोतल पे बोतल खुल रहा होगा, मस्ती कर रहे हैं एकदम। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बुरी खबर उनके लिए जो आज के युवा हैं। जी हाँ, मोदी जी ने पबजी को बंद कर दिया भाई। ये तो बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, क्यों भाई? लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे से परेशान हो गए थे दिन भर पबजी 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 करके। तो अभी का आज का जो ताजा खबर है वो है 118 ऐप हमारे मोदी सरकार ने बंद किए हैं। हाँ, मोदी सरकार, जी हाँ, बीजेपी सरकार ने बंद किए हैं। लोग मोदी सरकार ही कहते हैं। मन की बात भाई, घर में देसी कुत्ते पालो। नहीं पाले अभी तक, पालना चालू कर दीजिए। ठीक है, मोदी जी ने बोला है तो जितने भी गली के कुत्ते हैं उनको लेकर के आइए। और पबजी बंद तो बंद हो ही गया, तो एटलीस्ट कम से उनके साथ भी आपका टाइम पास हो जाए। एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है, मन की बात है भाई। आप लोग सब बोल रहे थे मोदी जी मन की बात मन की बात, तो मन की बात मोदी ने बोल दिया और 118 ऐप बंद कर दिया। चीन के गाल पे जोरदार तमाचा, बहुत जोरदार पड़ा है। तो जवानों, आप लोग हो जाओ तैयार। और कुछ ये तो हो गई जवानों की बात। अब अगर बात कर ले उनके लिए जिनका पबजी से रोजगार भी चलता था, तो देश के प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि देश की सिक्योरिटी को पबजी से खतरा था तो बंद कर दिया गया। बहुत अच्छा किया, मैं उसका ये नहीं कर रहा हूं, आप लोग गलत तरीके से मत लीजिए। बंद होना भी चाहिए था पबजी, क्योंकि काफी नुकसान भी हो रहा था जवानों को। बहुत कोई सुसाइड कर ले रहे थे, बहुत कोई, कितने लोगों को तो मार भी चुके इसके लिए। बहुत सारा न्यूज आता है, आप सुने ही होंगे। एक प्रकार से मोदी जी ने अच्छा किया, हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, भारत में चीनी ऐप बैन पे बैन होए जा रहे हैं। तो भैया बदला तो लेना था, अब बदला लेना था तो मोदी जी ने बदला ले लिया। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि जवानों के इस बदले हम लोग ऐप बैन करके क्या होगा। अरे भाई होगा कैसे नहीं, चीन का तो कमर टूट गया है अभी। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, और होना बहुत जरूरी था ये चीज। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें कि पबजी बंद हो करके अच्छा हुआ या बुरा हुआ। और खास करके जो पबजी के आशिक हैं, आप लोग तो जरूर लिखे, लेकिन कुछ गलत मत लिखे, गाली गलौज ना करें। और गाली गलौज करना है तो फिर मन की बात पता ही है आप सबको। तो और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। दोस्तों, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटा पे जरूर क्लिक कर दे। तो फिर मिलता अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।